न्यूज स्टेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपना जलवा दिखाया है। कुल 5 सीटों पर उपचुनाव थे, जिनमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस ने चौहान बागर की सीट जीती है। बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार इन 5 सीटों पर जीत नहीं पाया, लिहाजा आम आदमी पार्टी में जश्न का दौर है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और पार्टी के दफ्तर में भी एक बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। बड़ी खबर है दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर। 5 सीटों पर उपचुनाव थे, इन 5 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, जबकि चौहान बागर की जो 5वीं सीट थी उसे कांग्रेस ने जीता है। त्रिलोकपुरी वार्ड से आपके उम्मीदवार विजय कुमार ने जीत हासिल की है। कुल वोट उन्हें करीब 12,845 मिले थे। इसके बाद शालीमार बाग से भी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता मिश्रा ने जीत हासिल की है। रोहिणी सी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। और इस जीत के बाद ये दो तस्वीरें देखिए। एमसीडी उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं मनीष सिसोदिया।